पर्यावरण दिवस पर सोलन में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नारों के माध्यम से शहरवासियों को जागरूक किया कि अगर आप पर्यावरण को साफ और स्वच्छ चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण का संतुलन न बिगड़े और पानी की प्रचुर मात्रा भी उपलब्ध रहे। इस मौके पर अध्यापिका हितेशी शर्मा ने बताया कि वह काफी समय से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और शहर में रैली निकाली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दुकानों के आगे प्लास्टिक बिखरा हुआ पाया गया, जिससे ये ज्ञात होता है कि जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक रैलियों से कुछ नहीं होने वाला है। मेन तो यही है कि हम लोगों को अवेयर करें, पर लोग होते नहीं हैं। अभी भी दुकानों के आगे से हमने बहुत सारा प्लास्टिक उठाया, मतलब जब तक हर इंडिविजुअल को अपने आप नहीं होगा तब तक नहीं होगा। रैली या अवेयर करने के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इंडिविजुअल आदमी इस बारे में नहीं सोचेगा। और जैसे इस बार आपको पता ही है कि 2018 में भारत मेजबान देश होस्ट कर रहा है इसको, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, प्लास्टिक के लिए, क्योंकि प्लास्टिक का जो दिन पर दिन जो हमारी डेली जीवन में इसका यूज़ बढ़ रहा है, अब उसको जो ख़त्म करना है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और आपको पता ही है कि जो प्लास्टिक है इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है और ये अपने आप डिकम्पोज नहीं होता, तो बेस्ट है कि हम इसको रिसाइकल करें, रीयूज़ करें और रिड्यूस करें, तीनों में से मतलब जो भी हमारा पॉसिबल है हम इसको करें।